सो गाइस, ये है गोकुल पार्क। तो अभी जिस पार्क में है उस पार्क के नीचे आग लगा हुआ है। तो अभी आप लोग को दिखाता हूँ सारा सीन, और सारा सीन देखने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी एक पार्क में है, छोटा सा पार्क है, ये देख सकते हैं आप लोग ये पार्क। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि ये पार्क एक कोयला के टापू के ऊपर है। सही बता रहे हैं, ये कोयला के टापू के ऊपर ये पार्क है। तो आप लोग शायद विश्वास नहीं करोगे, तो मैं वो भी दिखाऊँगा कि इधर क्या कोयला है और सारा कुछ मैं दिखाऊँगा। और ये जो पार्क है इसके नीचे आग लगा हुआ है, मैं वो भी दिखाऊंगा। इस जिस जहाँ पे हम अभी हम लोग खड़े हैं, जहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, जहाँ पे इतना हरा भरा सीन है, जस्ट उसके नीचे आग लगा हुआ है, मैं वो दिखाऊंगा आपको। तो इस ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। का जो कोलियरी एरिया है, तो उस कोलियरी एरिया का ही एक पार्क है। तो एक्चुअली ये पार्क नहीं, इसको बनाया गया है। यहाँ पे जितना कोयला यहाँ पर निकाला जाता है, उस सब सारा पत्थर एक जगह करके और उसके ऊपर कुछ इस तरह पार्क बनाया गया है। तो देख सकते हैं काफ़ी सही है जगह, और यहाँ फूल वूल लगाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि हाथ से कैसा बनाया गया है। यहाँ पे ये है छोटा सा स्विमिंग पूल, और यह बांस का पूल है जो हाथ से बनाया गया है। और यहाँ पे सारा चीज़ हाथ से ही बनाया गया है, फूल वूल लगाया गया है सारा, देख सकते हैं। ये है बांस का पूल है, बहुत सही है, और ये इस तरह लगाया गया है। और बगल में पानी फुवारे हैं, देख सकते हैं। पीछे शूट भी हो रहा है कोई सॉन्ग का। तो अभी यहाँ से जस्ट निकलेंगे, और पीछे हमारे पीछे जो कोलियरी है धनबाद, जो जिस लिए प्रचलित है, जिस कारण से, वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं अभी उसी के ऊपर खड़ा हूँ। तो गाइस, वीडियो पे बने रहिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है वो बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे सारे आते रहेंगे, आप लोग को जल्दी जल्दी अपडेट मिलता रहेगा। तो अभी ये पार्क का नज़ारा देखते हैं। ये पार्क में बहुत सारे खूबसूरती है, और एक मंदिर भी है, काली माँ का मंदिर है, और बहुत सही सही जगह है। तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है मेन गेट। इस तरह सारे हाथ से बनाया गया है, बांस से बनाया गया है। और ये कुछ इधर है आगे पार्क, और ये पार्क के नीचे आग लगा हुआ है। तो ये काफ़ी अजीब लगता होगा कि ये पार्क के नीचे आग कैसे लगा है, तो मैं वो आप लोग को दिखाऊंगा। और मेरे दोस्त लोग शायद देखने के लिए चले गए हैं कि कहाँ पे आग लगा हुआ वो, तो मैं चलता हूँ। तो गाइस, अभी हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं, ये हमारे कुछ फ्रेंड हैं। और ये देखिए, आप लोग को शायद दिखता होगा, ये नीचे घर है और साइड में आग लगा हुआ है, शायद आपको धुआं दिखता होगा, देखिए वहाँ पे, हाँ यहाँ पे धुआं दिख रहा होगा। और इसी के जस्ट ऊपर में ये पार्क है। तो अभी और भी सही सही नज़ारा दिखाएंगे, और कहाँ पे किस तरह आग लगा हुआ है वो सारा कुछ दिखाएंगे, और सारा झरिया का सीन दिखाएंगे आप लोग को। तो वीडियो पे बने रहिए।
तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और 3 बज चुका है और हम लोग आए थे 1 बजे और अभी 3 बज चुका है। तो यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे और जस्ट आप लोग देख सकते हैं पीछे झरिया है, सही पकड़े झरिया है। तो वहाँ पे चलेंगे और कुछ सीन देखेंगे क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, ये झरिया फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। बाकी दूसरा जगह मैं गया हूँ और देखा भी हूँ कि कैसा है कोलियरी सब। मेरे लिए झरिया का आज फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मैं भी देखूँगा और आप लोग को भी दिखाऊँगा। ये झरिया 10 नंबर है, 10 नंबर से इसको बोला जाता है, नाम है झरिया 10 नंबर। बाकी 1, 2, 3, 4 इस तरह बहुत सारे कोलियरी है, तो ये है 10 नंबर। तो अभी यहाँ पे चलते हैं और कुछ शॉट दिखाते हैं आपको कोलियरी का। हम लोग कोलियरी एरिया में पहुंच चुके हैं और ये देख सकते हैं कोयला लेके जा रहे हैं लोग, पीछे देख सकते हैं। और ये जस्ट ये, और अभी आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे आग लगा हुआ है, वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए कुछ इस तरह आग लगा हुआ है इस तरह, और ये जो ज़मीन है काफ़ी गर्म है काफ़ी। तो यहाँ से निकलना ही बहुत सही रहेगा क्योंकि तरह गाड़ी चलता है यहाँ पे। ये देख सकते हैं ये, अभी चलते हैं दोस्त लोग के पास, तो वहाँ से काफ़ी सही नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो भाई हमारे आगे जो जगह है, जो सीन है, वो आप लोग, मैं तो बयान नहीं कर सकता, काफ़ी सही नज़ारा है। और ये है झरिया, झरिया 10 नंबर। तो आप लोग देख सकते हैं यही है जिसको धनबाद इसी के नाम से जाना जाता है, इसी एरिया के नाम से यही है। आप लोग को दिख रहा होगा कि किस तरह आग लगा हुआ है चारों तरफ। आप उधर उस साइड दिख रहा होगा कि चारों तरफ आग लगा हुआ है चारों तरफ। और यहाँ से कोयला निकल चुका है, यहाँ से भी कोयला निकाल लिया गया है और अभी आगे उधर काम चल रहा है। आगे वहाँ पर डंपर आप लोग देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए काम हो रहा है, यहाँ से कोयला निकाला जा रहा है अभी। तो ये कुछ इस तरह है। सो गाइस यहाँ का सीन हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि पूरा शकल का बैंड बच चुका है क्योंकि यहाँ पे इतना डस्ट उड़ता है कि मत ही बोलिए। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं झरिया से और आगे जाके एक मंदिर है, तो वहाँ पर जाएंगे, कुछ देखते किस तरह मंदिर है। अलग दिया मंदिर नाम है उस मंदिर का। तो जाते हैं वहाँ पे मंदिर पे, फिर उसके बाद वहाँ से घर निकलते हैं। तो ब्लॉग अभी कंटिन्यू है, तो आप लोग भी कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पे और देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए और ये सारे देख दोस्त, और आप लोग देख सकते कुछ इस तरह नज़ारा है, झरिया से कोयला निकाला जा रहा है इस तरह से। कोयला तो अभी देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि मैंने बोला था कि इस पार्क के नीचे आग लगा हुआ है, तो यही है ऊपर में जस्ट पार्क है और नीचे आग लगा हुआ है, तो कुछ ये है, इसके ऊपर जस्ट पार्क है और इसका ये एंडिंग पॉइंट है पार्क का। तो यहाँ से हम लोग पार्क अभी समाप्त कर रहे हैं। तो गाइस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं और हमारा लास्ट जो स्टॉपेज था ये यहीं पे था,
मंदिर के बाद अभी हम लोग यहाँ से घर निकलेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख चुके हैं तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है वो दबा दीजिएगा ताकि मेरा जितना भी नया नया वीडियो आए आपको अपडेट मिलता रहे। फैला दो तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।